हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी फ़िश खाना पसंद है? अगर आपको भी फ़िश खाना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। मैं इसमें बताऊंगी फ़िश को कैसे बनाते हैं देसी स्टाइल में। तो चलिए अब शुरू करते हैं, अब देर नहीं करते हैं, बताते हैं इसे कैसे बनाना है। नमस्कार दोस्तों, शगुन मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। तो इस मछली को बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम ये मछली। हमने ये बाटा मछली लिया है, तो आपके शहर में इसे किस नाम से जानते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने मछली को अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से क्लीन करने के बाद इस पर कट लगा लिया है। इस तरीके से सभी मछली में मैंने इस तरीके से कट लगा लिया है ताकि इसमें जो भी मसाला डालूँ ये अच्छे से ऑब्जर्व हो। तो अब इसमें एक छोटा चाय का चम्मच मैं हल्दी डाल दूँगी। ले लूँगी एक छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। स्वाद अनुसार नमक ले लूँगी। साथ के साथ ले लूँगी मैं इसमें धनिया पाउडर। एक छोटा चम्मच लिया धनिया पाउडर मैंने। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मसाला अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। और इसे कोट करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। तो चलिए जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तब तक हम कुछ मसाले देख लेते हैं जिन्हें हमें पेस्ट करना है। तो मैंने इस तरीके से अदरक, मिर्च और लहसुन और प्याज लिया है। तो 4 हरी मिर्च लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 छोटे साइज़ के प्याज ले लिए हैं और 2 पूरे साबुत मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी लहसुन को छील लिया है और इन सब का पेस्ट कर लेंगे। तब तक कढ़ाई में हम तेल डालते हैं, तेल अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल हमें उतना ही डालना है कि हमारा मछली अच्छे से फ्राई हो जाए। तेल को इस तरीके से हिलाते हुए कढ़ाई में मिला देंगे ताकि चारों तरफ तेल हमारा फैल जाए। तो अब हम इसमें मछली को डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। तो इस तरीके से 1 by 1 करके हम मछली डाल देंगे। तो इस तरीके से अब हमें इसे घुमाते हुए मछली को अच्छे से फ्राई करना है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है फ्रेंड्स। तो करीब 5 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई किया है। उसके बाद हम इस तरीके से पलटी की सहायता से इसे हल्के से निकालते हुए हम चारों तरफ से इसे पलटने की कोशिश करेंगे। जैसा मैं कर रही हूँ इस तरीके से कीजिएगा तो आपको आसानी होगी पलटने में। इस वक्त फ्लेम को हमें लो कर देना है, ये बहुत ही ईजीली पलट जाएगा। अगर ये फ्राई हो चुका होगा तो बहुत ही ईजीली पलट जाता है ये। तो मैं इस तरीके से ऐसे पलट दूंगी, देखिए। तो इस तरीके से सभी मछलियों को मुझे पलट देना है। तो बाकी का भी मछली मैं इस तरीके से पलट दे रही हूँ। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से पलट गया है। तो अब इसे उल्टे साइड में भी हमें अच्छे से पका लेना है। तो करीब 5 मिनट लगेगा हमें दूसरी साइड भी पकाने में, उसके बाद हमें इसे निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, ये 5 मिनट हो चुका है, तो चलिए इसे निकाल देते हैं। अब इसे भी उस तरीके से निकालना है जिस तरीके से पहले मैंने उसे पलटा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ये देखिए, ये अच्छे से हो चुका है, दोनों तरफ से अच्छे से सीख चुका है। तो इसे अब निकाल लेते हैं बाउल में। तो इस तरीके से मैंने इसे निकाल लिया है। तो अब इसी तेल में मुझे ऐड कर देना है एक बड़े साइज़ का हमने आलू लिया है और इसे लेंथ वाइज में काट लिया है। इसे पानी में भिगो कर रखा ताकि ये काला ना पड़े। तो अब इसे मैं 1 by 1 डाल करके इसे भी फ्राई कर लूँगी, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी। 2-3 मिनट में ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। तो ये देखिए, अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो इसे अब निकाल लेना है और इसी तेल में हमें बाकी का मसाला डालना है। हम इसे निकाल लेते हैं। तो अब हम इसमें डाल लेंगे 2 छोटे चम्मच काला सरसों। मछली में काला सरसों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ये 2 चम्मच मैंने डाला है। और जो हमने पीस कर रखा था ना मसाला, अदरक लहसुन और प्याज हरी मिर्च का पेस्ट, उसे आप डाल देंगे इसमें। तो ये देखिए, मैंने इसे फाइन पेस्ट कर लिया है। तो अब हम इसे इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए। तो अब जो इस जार में बचा हुआ मसाला रह गया जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट, तो उसे पानी की सहायता से निकाल लेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए हमें फ्राई करना है। फ्रेंड्स, इसमें हल्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि देखिए, हमारा सरसों तेल में काफ़ी हल्दी का कलर आ चुका है, टेस्ट भी आ चुका है। तो हम इसमें अब ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा वाला मिर्च है। 2 छोटे चम्मच लेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 2 छोटे चम्मच लेंगे धनिया पाउडर। 1 छोटे चम्मच लेंगे हम जीरा पाउडर। नमक स्वाद के अनुसार ले लेंगे। अब इन सबको अच्छे से हमें मिला लेना है और इसे फ्राई करना है। करीब 2 मिनट हमें इसे फ्राई करना है। मैंने इसमें हल्दी का यूज़ नहीं किया, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कलर बहुत अच्छा आ चुका है और टेस्ट भी आ चुका है। तो हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पर। तो 2 मिनट हो चुका है, ये देखिए, अच्छे से हमने इसे पका लिया है। तो मसाला में जो हमारा जो टेस्ट था मसाला का, सूखे मसाला का,
ये इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब हम इसे इस तरीके से भून लेंगे ओपन करके। अब हमें इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इस तरीके से ओपन करके 3 मिनट करीब भुना है। तो मसाला हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तब हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से कटा हुआ टमाटर। तो मैंने 4 टमाटर लिया है और इस तरीके से स्लाइसेस में काटा है, मोटे मोटे स्लाइसेस में काटा, 4 टुकड़ों में काटा है मैंने एक टमाटर को। तो मैंने पहले 1 टमाटर यूज़ किया है इसमें। अब इसे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए मुझे इसके साथ फ्राई करना है। तो इस तरीके से मैंने फ्राई कर लिया, करीब 5-7 मिनट में ही देखिए ये सॉफ्ट हो चुका है। लो फ्लेम पे मैंने फ्राई किया था क्योंकि इसमें नमक डाला हुआ था, जिसकी वजह से टमाटर जल्दी ही सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इस वक्त इसमें ऐड कर देंगे हम पानी। तो मैंने 2 ग्लास पानी यूज़ किया, करीब 600 ml के करीब पानी यूज़ किया मैंने। तो 2 ग्लास पानी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक कर हम बॉयल होने तक वेट करेंगे। तो चलिए अब इसे ढक देते हैं और इसे अच्छे से बॉयल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मछली बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप इसे ज़रूर खाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैंने लिड को खोल दिया है, इसमें मैं वो फ्राई किया हुआ आलू डाल दूँगी जिसे मैंने फ्राई करके रखा था, और बचे हुए सारे टमाटर डाल देंगे जिसे मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया था। तो करीब ये 3 टमाटर है छोटे छोटे साइज़ के, तो मैंने इसमें डाल दिए सारे टमाटर को। अब इसे हमें पका लेना है जब तक कि आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो हम इसे ढककर पका लेंगे लो फ्लेम पर। तो करीब 5 मिनट पकाना है लो फ्लेम पर, तभी हमारा आलू सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्राई करते वक्त ही हमारा आलू सॉफ्ट हो चुका है। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुका, हमने इसका कवर हटा लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है इस वक्त, और ग्रेवी भी हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो इस वक्त हम डाल देंगे इसमें फ्राई किया हुआ मछली। तो जिस मछली को हमने इस तरीके से फ्राई किया, एक मछली को रख लेंगे, बाकी सारी मछलियाँ डाल देंगे, क्योंकि मेरी बेटी को फ्राई मछली बहुत पसंद है। तो मैं एक हटा लेती हूँ इस तरीके से फ्राई मछली, और 4 मिनट्स में डाल दे रही हूँ, और अच्छे से ढककर मुझे इसे पका लेना है। करीब 2 से 3 मिनट मुझे इसे ढककर बॉईल करना है मीडियम फ्लेम पर, और गैस का फ्लेम हम अब ऑफ कर देंगे, डायरेक्ट हम इसे सर्व करेंगे अब। तो 2-3 मिनट के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे सर्व कर रही हूँ, कितना डिलीशियस लग रहा है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैंने कुछ कटे हुए हरे धनिया से इसे सजा दिया है,